असल में तो बेहतर उधर ही यहाँ नहीं आया इन्हू मैं पूछा उस बंद मैं बूह अगे छे उन्हें आख्या एड्रैस है तेरा फैमिली बेस जड़ा ना वह इस मुल्क यहाँ ना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी, ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। मैं जमाला दिल, मेरे साथ हैं हमारे जो गाइड हैं अपने इत्याम भाई और एजाज भाई हैं कोठा गुजरा से। तो अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आज जी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह का। आज जी हमारी वीडियो मौजू होगा कि जो बंदे यहाँ पे स्वीडन में अखबार वगैरह काम कर रहे हैं, क्या वो उनकी अर्निंग क्या है और काम किस नौत का होता है और कितने घंटे तकरीबन काम कर लेते हैं, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये न्यू कमर्स के लिए ये काम सूटेबल है डॉक्यूमेंट को चेंज करवाने के लिए कि नहीं? तो एजाज भाई, कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? तीन साल हो गए आपको इसी काम में, यही काम कर रहे हैं? इसी काम में मैं कागज भी मिले, डॉक्यूमेंट भी मिले। डॉक्यूमेंट आपके तकरीबन कितने देर में चेंज हो गए यहाँ पे, कितना टाइम लगा जब आपके डॉक्यूमेंट चेंज हुए थे? एक साल लग गया। Within 1 year. तो आपने क्या कंक्लूड वगैरह नहीं डाला था? 4 महीने बाद कंक्लूड डालने का आप हक रखते हैं? मैं तो कुछ नहीं डाला। अच्छा अच्छा, तो डॉक्यूमेंट चेंज कराने यानी कि आपके फैमिली और आपके सभी के हो गए? जी सब के चेंज हो गए। तो काम वगैरह कैसा आपने पाया कि? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, ठीक है। मेरे दोस्त ने बताया था इधर काम है। अच्छा अच्छा, मैं गया उधर लग गया काम दे, तो उधर इंशाल्लाह एक साल बाद मेरा काम चेंज हो गया यूनान वाले। माशाल्लाह, यूनान से यानी कि आप आए? यूनान से। तो यूनान से कैसे बेटर पाते हैं आप इसको कि यूनान से क्या ये? असल में तो बेहतर उधर ही यूनान ही आया। यूनान आया छड़ा उधर फैमिली नहीं साड़ी आ सकती। फैमिली नहीं आ सकती यूनान है ना, जो फैमिली नहीं आई मैं पाकिस्तानी नु खास करके फैमिली नहीं कागज नहीं देंगे दे। मुश्किलात ने तो इधर इस गले आए थे, चलो बेटे ने जेडे सारे बड़े आ जाएंगे। यहाँ पे तो बड़े बच्चे हो, शादीशुदा ना हो तो सारे आ जाते हैं। ठीक है, मुल्क भी ठीक है, बेहतरीन है। मजदूरी वास्ते भी मुल्क ठीक है, माड़ा नहीं है। मजदूरी यानी काम शाम मिल जाता है? जी बिल्कुल ठीक है, काम मिल जाता है। अगर तुसी काम करना, काम दी तो कोई मुश्किल नहीं है। सारे जिथे भी तुसी टुर जाओ, जेड़े मुल्क भी टुर जाओ, काम मिल जाता है। काम करने वाले बंदे ने करन ते जी अगर ना करना हो फिर जिथे भी टुर जाओ नहीं मिलन लगा। नहीं मिलन लगा, गलत सही है ना। जी तुसी काम करना है तो फिर सारे किरे मिलेगा। जनरली बात करेंगे काम की अपॉर्चुनिटी जहाँ पे है, काम वगैरह मिल जाते हैं, काम की परेशानी नहीं है, बिल्कुल मिल जाता, कोई मुश्किल नहीं है। तो कितनी तकरीबन कितने दिन आपको तकरीबन काम करना पड़ता है ये, क्या आप? जी हफ्ते में तकरीबन 3-4 दिन काम होता है। 3 से 4 दिन काम, इससे ज्यादा काम नहीं है। अपने तो हिम्मत है ना, अपनी हिम्मत है कि खत्म कर देते हैं। एक दिन में मका लो फैक्ट्री का कोई मसला नहीं, यानी कि आपको एक फैक्ट्री देती है टारगेट के भाई ये सर्टन अमाउंट है, इतनी आपने चीजें इतना काम करना है, उसके बाद छुट्टी है। 2 दिन में करें, 4 दिन में चार, वो अपनी हिम्मत है इनके। तो आप उस काम को, फैक्ट्री का कोई मसला नहीं, 3-4 दिन में फैक्ट्री जेड़ा ओ साडा अपना फोरमैन है, वरोस्तोमैन है, पाकिस्तानी है, बहुत अच्छे बंदे ने, बहुत जेड़ा अच्छा बंदा आखी दे ना, अपने खास करके बंदे दी इतनी कोई बांह फट दे ना, वाह यकीन करो गल छड़ दे जिया, पर जितना कोई हो सकता वो कर दे ने अपने बंदे वास्ते, सारे वास्ते यो हर बराबर कर दे ने। फैक्ट्री जितने बंदे ने ना उन्हां वास्ते हर बंदा बराबर है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई पाकिस्तानी है, चाहे कोई इंडियन है, चाहे जेड़ा भी। हाँ जी, तो पार्ट टाइम के क्या कह रहे थे कि पार्ट टाइम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो, तुसी कोई भी काम कर सकते हो, दी मुश्किल नहीं है। यानी कि पार्ट टाइम अगर आपको फेडोरा या उबर वगैरह, उनका इतराज नहीं, अपना काम खत्म करके फिर कर सकते हैं। अपना तुसी काम जेहले मकाना है, उसके बाद जो दिल है तुसी करो। अपनी अर्निंग वगैरह इतनी हो जाती है आपकी कि यहाँ पे गुजारा वगैरह, बच्चों का सिस्टम, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे इधर है, 2 पाकिस्तान में, 2 इधर पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले भी आएंगे इंशाल्लाह, उन्होंने अप्लाई तो किया पर ये तड़ी कोनी ने कुछ सवाल जो दिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से सवाब है। 4 महीने बाद आप कंक्लूड डाल सकते हैं। तो और कोई जो नए आने वाले उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे, किस तरह का काम करें वो, क्या हो सब उनके लिए काम? भाई वाह, ये जेड़ा दिल है कोई भी कर ले बंदा, काम दी तो मुश्किल तो अगे भी दसिया को नहीं। अगर बंदा काम करने वाला है ना, वो पाकिस्तान भी नहीं भुखा मरदा, ऐथे भी नहीं मरदा, बेशक जिथे भी हो तुसी, किसे भी कोने ते हो तुसी, अगर नीयत साफ है ते तुसी काम कर सकते हो। काम दा कोनी मुश्किल, आर बंदे दे रंग रंग दा बंदा पते हुंदे ना आर लाइन विच। हां जी हां जी, तुसी किसे भी मुल्क टुर गए हो, ओ काम दी आखो ना तुहानू काम दा मसला है, ओ गलत मैं नहीं समझदा, ओ गलत करदे ने। काम लभदा है आर दुनिया दे काम, पर अगो तुहानू अगे दस्सिया वो तुहाडी हिम्मत है। ਸੈਲਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨਾਨ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ,
ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਜੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਸਾਬਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਝੂਠ ਹੈ ਇਤਨਾ ਵਾ ਆਖੋ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾਨ ਵੀ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਅਗਰ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਤਾੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਵਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰਾਤੀ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਮਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ ਤੋੜ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਤਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੰਜਾ ਘਰ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਕਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ 8,200 ਹੈ 8,200 ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਤਨੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੇਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਛਾ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਰੂਮ ਦਾ ਆਪਕਾ ਘਰ ਹੈ ਪਜਸ 3 ਦਾ 2 ਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਕੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਰੂਮ ਦਾ ਘਰ 5000 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 5000 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆਮਦੀ ਨਾ ਕਿਰੇ ਘਟ ਕੇ ਨਾ ਆਪਕੀ ਮੰਥਲੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮਨਾ ਵੇ ਜਨਾਬ ਯਾਵਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਜੋਏ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਖੀਏ ਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਯਾ ਬਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਕਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ